खरगोन की राधा वल्लभ मार्केट में एक दुकान, ईश्वरी नगर में 3 मंजिला मकान, एक 4 पहिया वाहन, मुल्तान और मोगन में कृषि भूमि के साथ गुगावा में दुकान, इंदौर लोकायुक्त डीएसपी संतोष भदौरिया और प्रवीण बघेल के नेतृत्व में 22 सदस्यीय टीम द्वारा एक साथ 4 स्थानों पर कार्यवाही की जा रही है। पटवारी जितेंद्र सोलंकी गुगावा तहसील के हल्का नंबर 36 में पदस्थ है। पटवारी हल्का नंबर 36 घट्टी के पटवारी हैं जितेंद्र सोलंकी। इनके घर राज आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त इंदौर द्वारा सर्च की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें इनके 6B गौरीधाम कॉलोनी जहां इनका निवास है इसमें, इसके अलावा जो राधा वल्लभ कॉलोनी में इनकी दुकानें हैं और ईश्वरी नगर में एक इनका घर है, इसके अलावा इनके जो विस्थान के रहने वाले हैं, मुल्तान के रहने वाले हैं, वहाँ पर भी कुछ संपत्ति की जानकारी है। तो ऐसे कुल 4 ठिकानों पे सर्च की कार्रवाई इंदौर लोकायुक्त इकाई द्वारा की जा रही है। अभी प्रारंभिक तौर पर जो है इंदौर में 6 दुकानें, इनके गौरीधाम स्थित घर में लगभग 3 से 4 लाख रुपये कैश, स्वर्ण रजत आभूषण, एक 4 पहिया वाहन, 2 2 पहिया वाहन और गोगावा में कुछ 2 दुकानें, ऐसे ये सब चीज़ें होने के अभी कागजात मिले हैं और अभी सर्ची कार्रवाई जारी है। इसकी जो डिटेल अपडेट है आपको जो है कैश कितना कुछ समय के बाद, अभी लगभग 3.5 लाख रुपए कैश है, अभी और कैश बढ़ने की संभावना है। वो अभी प्रारंभिक स्तर पे बहुत जल्दी है, टोटल इसका भी आपको जो भी इन्वेंट्री के पार्ट में जो आएगी चीज़ें वो सारी आपको अपडेट कर नहीं, अभी लाकर की भी जानकारी अभी तक नहीं आई है। बैंक के अकाउंट अभी जो पासबुक हैं और बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अभी हमारी टीम जो है उनको इकट्ठा कर रही है, उसके बाद ही इसमें कोई अपडेट। खरगोन से अब्रार पठान की रिपोर्ट।